लकड़ी का बना हुआ रोटी का मजा अलग ही रहता है। हाँ, सही बोला सही बोला। हाँ, स्पेशल डिश है, दुनिया का सबसे स्पेशल डिश, क्योंकि आयुष्मान ने डाला है उसमें अंडा। नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आप लोगों को स्वागत करता हूं Life2Explore में। हम हैं सियोनी, मध्य प्रदेश, और आज है day 3 ऑफ आवर उत्तराखंड रोड ट्रिप। 1200 किलोमीटर के ऊपर आ गए हम ऑलरेडी, और जितना ही हम नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं ठंड भी बढ़ रहा है। 8 डिग्री टेम्परेचर है। इवनिंग को ही मतलब ठंड लगना शुरू हो गया जैसे इधर पहुँचे, फिर रात को ठंड और बढ़ गई। हम आज जल्दी उठ गए क्योंकि हमको ना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है। हम सोच रहे हैं आज 700 किलोमीटर के ऊपर जाके, मतलब झांसी से आगे सागर, झांसी से आगे और जाएंगे, तो ताकि लास्ट डे को ना 600 किलोमीटर ड्राइव करना ना पड़े। 300-400 रहेगा तो चलेगा, क्योंकि पहाड़ी रहेगा राइट, घाट शुरू हो जाएगा तो टाइम लग सकता है। और अगर नैनीताल में पहुँचते अगर लेट हो गया, रात हो गया, तो फिर उधर तो टेम्परेचर 0 के आसपास रहेगा। और बेटर है, मतलब उजाला रहते ही हम उधर पहुँच जाए। आयुष्मान थोड़ा तुलसी ड्रॉप्स चाहिए ये क्लाइमेट के लिए खास करके। दोनों वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सर्दी सर्दी टाइप लग रहा है, तो फिर से सर्दी हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। 4 बज रहे हैं, 4 o'clock, जल्दी निकलना ज़रूरी है। चलो अभी ना किधर एक जगह पे रुका के गर्मा गर्म चाय मारते हैं, बहुत ज़रूरी है। 2 घंटा तो चले लेंगे, थोड़ा उजाला होने दो उसके बाद। ऑल सेट आयुष्मान। आयुष्मान इज इन फुल जोश, लेकिन आयुष्मान नहाया नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा है ना, सो इट्स ओके। हम लोग तो नहा लिए, बिना नहाने नहाए ना निकलने को नहीं होता, नहीं अच्छा अच्छा लगता। चलो जी, चलो जी, लेट्स स्टार्ट। गेटअप चेंज हो गया पूरा, क्योंकि ठंडी इतना है। देखो तो सच में यार 7-8 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, मतलब ऐसे में चप्पल पहन के निकल गया था, बाद में इतना ठंड लगा। बीच में गाड़ी रुका के सॉक्स वॉक्स पहन के पूरा प्रॉपर शू वू डालना पड़ा। अभी चाय ब्रेक, ऐसे एक जगह पे रुक गए। क्या भाई क्या देख रहा है, उसको कुछ चाहिए लगता है। आयुष्मान को बोलने से उसको खिलाएगा कुछ तो, बिस्किट चाहिए। और भैया को भी बोले थोड़ा पानी गर्म करके फ्लास्क में डाल देने के लिए, वैसे गाड़ी में तो है, फिर भी चाय मार लेंगे। इधर हर दुकान में आग लगा हुआ मिल जाएगा आपको। और इतना फॉग है ना, विजिबिलिटी मतलब 0, लेकिन ज़्यादा दिखा नहीं फॉग, 4-5 किलोमीटर ऐसा, लेकिन ऐसा लगता है कि आगे भी फॉग मिलेगा। हम उड़ रहे थे, बादल के अंदर होके जा रहे थे, ऐसा फील हो रहा था थोड़ा टाइम के लिए। और आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा। आगे पूरा विजिबिलिटी 0 था। तो गाड़ी 30-40 से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाए, लेकिन ज़्यादा नहीं, 5-6 किलोमीटर ही रहेगा शायद। लेकिन आगे मिल सकता है। नहीं, 6 बजे से ही शुरू हुआ, 4 बजे कुछ नहीं था, 4 बजे से 6 बजे तक कुछ कोहरा नहीं था। अभी ज़्यादा है, अभी आगे भी मिलेगा, देखते हैं। चलो चाय। और 200 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिया। अभी कितना टाइम हो रहा है, 6:50। 4 बजे निकले थे तो लगभग 3 घंटे के आसपास हो गया। 200 किलोमीटर के ऊपर 200 किलोमीटर ही हुआ रहेगा। रोड कंडीशन बहुत ज़बरदस्त है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया क्या? अच्छा, चाय रेडी। हाँ मजा आ गया। ठंडी ठंडी वेदर में गरम गरम चाय। ये लोग तो चाय वाय कुछ नहीं पीते, पता नहीं कैसे यार। ठंडी वेदर में चाय पीना चाहिए, क्या होता है, कुछ नहीं होता है। थर्टी हो गया, हम सियोनी से कम 275 किलोमीटर आगे रहेंगे। और अभी ना अभी थोड़ा 40-50 किलोमीटर रास्ता ख़राब है, थोड़ा रफ रोड मिल रहा है। और ऐसा ढाबा टाइप ही मिल जाएगा आपको, टिपिकल खटिया वाला ढाबा। ये बचपन का याद आ गया। समर में हम ऐसे ही बेड में सोते थे ना बाहर, ऐसे ही बेड डाल के बाहर। अभी चांदनी रात, बच्चे लोग खेल कूद करना, वो बचपन का वो तो बचपन ही है। हैदराबाद तक ना पूरा अच्छे खासे होटल मिल ही जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप हैदराबाद से आगे आओगे टिपिकल ढाबा मिलता है। आपको देख के लगेगा नहीं इधर रुक के खाना है, मतलब टिपिकल ढाबा। वो ट्रक वाले ही दिखते हैं, हमको तो कार दिखे ही नहीं ना पूरा रास्ता भर। जब से सियोनी से निकले कभी कभी ऐसा हो कि पूरा 50 किलोमीटर रास्ता सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। मतलब ना ट्रक भी दिखे ना कार दिखे। जल्दी सुबह निकल गए, 4 बजे निकल गए। हाँ 4 बजे निकल गए, नहीं फिर भी अभी तक देखो कोई कार दिख रहा है क्या, सिर्फ ट्रक ही दिख रहे हैं। चलो आलू पराठा बोल दिया, 3 आलू पराठा। ब्रेकफास्ट तो खा लेंगे, लंच तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे किधर। आयुष्मान क्या कर रहा है तू? क्लास देखो, क्लास कर रहा है, मल्टीटास्किंग कर रहा है तू इधर। ये देखो यार, देखो ऐसा चीटिंग करता है आयुष्मान। ये देखो इसका क्लास चल रहा है उधर, ये इधर बैठ रहा है। शुरू हो गया क्या? चलो इसका क्लास भी शुरू हो गया। चलो आलू पराठा आ गया, काफी बड़े बड़े साइज का है ना, काफी मोटे है यार। इधर दाल और ये कुछ तो तीखा वाला सब्जी है और मूली चटनी। तीखा लगता है देख के तो। चलो देखते हैं, काफ़ी टाइम लगा दिया लेकिन लेने के लिए। बढ़िया टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है। Don't judge the book by its cover। तो बोलते हैं ना, ढाबे का शकल देख के लग नहीं रहा था कि खाना इतना अच्छा रहेगा। बहुत ही टेस्टी था। और आलू पराठा ना बहुत मोटा मोटा था, और आलू जो स्टफिंग दिया था ना आलू का, वो तो बहुत ज्यादा था अंदर। और दाल भी कितना ठीक था ना, दाल भी ठीक टेस्टी था एक्चुअली, बहुत टेस्टी था। कोई नहीं इधर तो कोई भी स्पाइसी नहीं था, दाल भी स्पाइसी नहीं था कि पराठा भी स्पाइसी नहीं था। सबसे हाँ। जो रिक्वायरमेंट रहता है ना वही रहता है, बिना स्पाइसी का। अच्छा तो अभी क्या सीधा लंच में रुकाएंगे। आयुष्मान का बीच बीच में चल रहा है, अभी तो ब्रेक है, 15-20 मिनट का ब्रेक है ना, 10 मिनट का ब्रेक है। तो उसका ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, और हमारा ड्राइविंग पे फोकस रहेगा। नेटवर्क तो परफेक्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15, तो 1 o'clock तक देखते हैं। मुझे लगता है झांसी क्रॉस कर लेंगे 1 o'clock तक, क्योंकि झांसी इधर से 200 किलोमीटर और। चलो जी। आयुष्मान का कभी कभी राइटिंग करना पड़ता है ना, जब लिखना पड़ता है तभी गाड़ी स्टॉप करना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने रुकाया गाड़ी क्योंकि उसका चल रहा है, कुछ तो लिख रहा है उसका क्लास वर्क। वैसे ये जगह भी बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब पहाड़ को ऐसा काट के पूरा हाईवे से गया है। तो ये राइट साइड पहाड़ी, लेफ्ट साइड पहाड़ी, ऐसा बीच में से रास्ता। तो बहुत ही अमेजिंग टेरेन है। आप खुद ही देख लीजिए, हमने एक ड्रोन क्लिप लिया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दो दिन से खुद ही अरेंज कर रहे थे ब्रेकफास्ट का। देखो आज ही बाहर खाए ब्रेकफास्ट और उल्टी शुरू आयुष्मान को। ये सब फूड का प्रॉब्लम नहीं है, जो बोलते हैं ना थोड़ा हेवीनेस रहता है खाने में, कुछ भी बोलो, बाहर का पराठा वराठा थोड़ा हेवी अच्छा था, टेस्टी था, लेकिन हेवी तो होता ही है। लाइट वेट ऐसा कुछ खाते हैं ना, फ्रूट, ब्रेड सैंडविच जैसा थोड़ा बहुत, तो उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आज ही बाहर गए, आज ही उल्टी कर रहा है ये। वैसे गाड़ी में इसको थोड़ा वोमिट होता है, चाहे वोमिट स्टॉप हो, कोई भी मेडिसिन दो, पहले दो बाद में दो, जो कुछ भी ट्राई करो। हम जिंजर भी देते हैं थोड़ा बहुत, फिर भी बोलता है ना इसका उल्टी रहता है, लेकिन नहीं हुआ था 2 दिन से, आज ही हुआ। पानी पी ले, थोड़ा पानी पी ले। ठीक है, अभी चले फिनिश करते, आजा पीछे। टोला क्लॉक हो गया और आयुष्मान ने उल्टी कर दिया था, तो हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी ही गाड़ी रुका देते हैं लंच प्रिपेयर करने के लिए। हम झांसी के आसपास है, झांसी इधर से शायद 30-40 किलोमीटर के अंदर ही रहेगा। क्या मस्त सा जाए लोकेशन मिला यार। और एक रीज़न है रुकाने के लिए, हमको ये जगह दिखा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। और आगे जाएंगे ऐसा अगर प्लेन रोड आ जाएगा खेती वेती टाइप, तो ठीक से जगह नहीं मिलता है। ये पूरा जो बोलता है ना प्रॉपर पिकनिक जैसा, एकदम जंगल। देखो क्या ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और हाईवे जस्ट इधर ही है, मतलब थोड़ा सा 100 मीटर भी नहीं रहेगा, उधर हाईवे है। आयुष्मान का और एक क्लास बाकी है, और एक है ना आयुष्मान, कौन सा वाला? मैथ डिटेक्शन है। हाँ, तो इधर नेटवर्क आराम से चल रहा है, तो उसका क्लास भी हो जाएगा और हमारा कुकिंग भी खत्म हो जाएगा। हमने अभी तक 3 टाइप का फार्मिंग देखे हैं। आंध्र प्रदेश में राइस फार्मिंग, नागपुर महाराष्ट्र में कॉटन फार्मिंग, और अब यूपी और मध्य प्रदेश में मस्टर्ड फार्मिंग। बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि वो येलो येलो का होता है, पूरा येलो येलो, हर जगह येलो येलो, पूरा इधर तक देखो इधर येलो येलो दिखता है ना। हाँ, बढ़िया लगता है, पूरा प्रैक्टिकल हो जाता है इनका बच्चे लोग का। एक्चुअली हमको भी ना लाइव एक्सपीरियंस ही है, मतलब लास्ट टाइम जब आए थे पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा था और रास्ता थोड़ा बिजी लग रहा था। अभी तो पूरा गाड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम ही आ रहे हैं रोड पे, सिर्फ ट्रक दिख रहे हैं और हम दिख रहे हैं, ज़्यादा कार वार ये सब नहीं दिख रहे हैं, बाइक वाइक भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा मतलब ट्रैफिक कम लग रहा है ऐसा पूरा हाईवे में। अभी पूरा फोकस हम खाना बनाने में करते हैं। आप पूरा ये जो प्रोसेस है उसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। देखो भैया बिल्ले बोले इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं हाँ कोई नहीं, मतलब कुछ कोई डर का बात नहीं है। अच्छा रोड पास में जी पेट्रोल पंप बन गया है, मतलब कोई बात नहीं है। नहीं जगह बहुत अच्छा ना, पूरा छावदार है, खाना बनाने छायादार है, कोई गंदगी नहीं है, बढ़िया जगह है, बढ़िया अच्छी बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई लकड़ी नहीं है थी? नहीं बढ़िया हाँ ठीक है, सूखा लकड़ी तो चाहिए अभी ये ना वो मतलब गैस भी की रोटी में मजा नहीं आता। ओ अच्छा लकड़ी का बना हुआ रोटी का मजा अलग ही रहता है। हाँ सही बोला सही बोला आपने, चार रोटी ज्यादा खा जाती सर। और गैस की तो जो गर्म रोटी है दोनों मजा है, उसके बाद जो ठंडी रोटी पड़ गई तो करेक्ट चलो पानी मिलेगा। हाँ हाँ पानी मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, पानी पी देना। हाँ जोर से खोल। हाँ ये स्पेशल डिश है, दुनिया का सबसे स्पेशल डिश, क्योंकि आयुष्मान ने डाला है उसमें अंडा। आज हमारा बना है एक न्यू डिश एग करी। ये एग को बॉईल नहीं किया मैंने कि फ्राई भी नहीं किया, घर जैसा तो नहीं बन पाएगा ना, जल्दी में जो बन पाएगा ऐसे ही किया है, अच्छा लगेगा, कुछ बुरा नहीं लगेगा। वो हमने जो अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट वैसे ही किया है, सिर्फ वो सब मसाला बॉयल होने के बाद ना मैंने अंडा का तोड़कर ऐसे ही रख दिया है, मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। वो 5-10 मिनट के बाद वो पूरा बॉईल हो जाएगा, बॉईल एक जैसा ही बन जाएगा। हाँ। वो अलग शेप में एक पोच तो नहीं है। हाँ। एक पोच तो अलग आता है। हाँ हाँ। ये मतलब ऐसा ही एक पोच जैसा बनाते हैं वो ग्रेवी में। हाँ। तो ऐसा घर में भी बना के खा चुके हैं, गाँव में बनाते थे पहले, इसको छेचड़ा करके मेरा मम्मी बोलती थी, तो ऐसा मिक्स कर देना है। एक तो ऐसा छोड़ सकते हो, नहीं तो मिक्स भी कर सकते हो। ऐसा छोड़ने से क्या अंडा का थोड़ा ऐसा फील आता है, क्योंकि वो पूरा सेप रहेगा, बीच में केसर, साइड में वो जो एग वाइट रहता है उसका। हाँ। ग्रेवी के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और हमारा तो फेवरेट आलू है, बिना आलू का तो कुछ होता नहीं है तो आलू भी डाल दिया उसके साथ। आलू ग्रेवी को थिक भी कर देगा थोड़ा। हाँ। क्योंकि 2-4 आलू को हमने प्रेस कर दिया ग्रेवी के अंदर, मास करके हो गया परफेक्ट। वैसे हो गया, खाने का मजा लेते हैं। लाइफ में क्या है, खाना है, घूमना है, जिंदगी का मजा तो उसमें ही है। काम कौन करेगा काम तो काम के टाइम पे काम होता है, घूमने के टाइम पे घूमना होता है। वाह क्या दिख रहा है यार सच में। वो भैया है ना, उनको भी दे देते हैं यार, मतलब कब से लकड़ी काट रहे हैं और 1 बज रहा है टाइम, खाए के रहेंगे कि नहीं पता नहीं, इतना सारा लकड़ी काट के गांव में जाना है, तो उनको थोड़ा दे देते हैं, क्योंकि इधर आके बातचीत हो रहा था, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। ये खा लीजिए क्या ही जगह है यार सच में पिकनिक हो गया हमारा तो रोड ट्रिप में अभी 2 दिन से रोड साइड ढाबा में खा रहे थे, अभी रोड साइड पिकनिक जंगल पिकनिक हो गया। ये एकदम जंगल पिकनिक, सच में मजा आ गया। और टेस्ट टेस्ट तो मजा लगेगा। ये वाला भी आप लोग ट्राई करना घर पे। नॉर्मल जैसे ही आप करी बनाते हो वैसा, उसके ऊपर अंडा को, हाँ, अंडा को तोड़ के ही डालना है बस, और कुछ परफेक्ट बनता है। और 10 मिनट तक मिक्स नहीं करना है। करेक्ट करेक्ट। चलो हमारा लंच हो गया। टाइम हो रहा है 2 o'clock। 2 घंटा लग गया आज, क्योंकि उसका क्लास वास चल रहा था और बीच में थोड़ा क्लीन करने में इधर उधर में तो टाइम लग जाता है। आधा घंटा वो क्लीननेस में चला जाता है। पानी वानी डाल के थोड़ा हम एक्स्ट्रा कैरी करते हैं और उसमें टाइम तो जाता है ऑब्वियसली। कभी कभी 1.5 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता है, 1 घंटे के अंदर कभी होता है। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बोलते हैं ना जगह मस्त था तो थोड़ा हम आराम से कर रहे थे, जल्दी भी नहीं था। तो अभी 2 बज रहा है। प्लान है मैनपुरी करके एक जगह है उत्तर प्रदेश, उधर तक जाने का। इधर से 300 किलोमीटर है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि उधर तक अगर चले गए ना तो सिर्फ 250 किलोमीटर ऐसा कुछ रहेगा, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। एनीवे लेट्स सी। अभी पूरा फोकस ड्राइविंग रहेगा। जिधर भी हम देर तक जा सकते हैं जाएंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। करेक्ट। और क्या, कोई भी होटल में अगर जाते हैं तो सीधा उधर मिलेंगे, उधर बातचीत करेंगे क्या स्टेटस है आज का। ओके चलो जी। हम पहुंच गए आगरा। जब सियोनी से निकले ना 2 रूट दिखा रहा था, एक तो इटावा मैनपुरी होके बरेली होके नैनीताल, और दूसरा वाला जो रूट था आगरा होके था। तो हमने टाइम देखा, अगर मैनपुरी वो साइड में जाएंगे तो रात को 8:30, 9 o'clock ऐसा दिखा रहा था पहुंचने। तो होटल मिलना पता नहीं कितना बड़ा मतलब सिटी है, तो उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। आगरा हमको पता है आगरा में मिल ही जाएगा होटल। तो हम पहुंच गए आगरा और डिस्टेंस वाइज सेम है, दोनों सेम है। तो आज तो 750 किलोमीटर ड्राइव हुआ और लास्ट वाला 150 किलोमीटर एकदम बकवास रोड, मतलब इतना बेकार रोड है कि अब क्या बोले। मतलब जितना तारीफ किए अभी तक रोड का वो पूरा निकल गया है 150 किलोमीटर में। हमको क्या पता था कैसा रोड है, गूगल माता जैसे दिखा रहे हैं हम वैसे आ रहे। कोई नहीं, और एक दिन ही बचा, कल तो पहुंच ही जाएंगे डेस्टिनेशन पे। और पहाड़ी दिखेगा कल, सुपर एक्साइटेड है। हाँ, रूम के बारे में बता देता हूँ। हम बुक किए ऑरेंज होटल, नेशनल हाईवे 44 के ऊपर ही है। तो सिटी के अंदर तो आना पड़ता है। नेशनल हाईवे अगर 44 होके आगरा आएंगे ना तो थोड़ा बहुत तो सिटी एंट्री होता है, फिर भी मेन रोड के ऊपर है। बहुत अच्छा, दिखा देता हूँ आप लोग को। ये है, बड़ा सा रूम है, काफ़ी स्पेशियस रूम है। इसका प्राइस है 1700 रुपीज़। 1700 के रुपये के हिसाब से रूम काफ़ी बढ़िया है। उधर तो हम उड़ीसा से रिटर्न होने के टाइम पे 2500 दिया था, इतना छोटा सा रूम के लिए। ये बेड था बस नहीं। तो काफ़ी अच्छा रूम मिला। थक गए हैं तो रेस्ट करना है। कल सुबह फिर से उठ के शुरू होगा हमारा जर्नी। वैसे कल तो 350 किलोमीटर ही चलाना है, तो पहाड़ दिखेगा तो एक्साइटमेंट भी लेवल हाई है। तो 350 किलोमीटर है लेकिन ज़्यादा टाइम तो लगेगा ना। हाँ, घाट रोड है, टाइम तो लगेगा, लेकिन घाट रोड में मज़ा भी आता है चलाने के लिए। व्यू दिखेगा, माउंटेन दिखेंगे, सुपर एक्साइटेड। तो अभी फ़िलहाल रेस्ट करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।